एक्चुअली हुआ ये था कि आज लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी जिस वजह से मैं क्लास आज टाइमली नहीं शुरू कर पाया। अभी मैं शुरू कर पा रहा हूँ बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, अभी क्लास शुरू कर पाने का कुछ रीजन है, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। सो प्लीज सपोर्ट मी इन हैविंग दिस क्लास। ठीक है, ये आप ही के लिए है। अगेन शुरू करते हैं क्लास, और क्लास शुरू करने से पहले आप सबको पता होगा इस ऑफर के बारे में जो आपके स्क्रीन पे अभी सामने दिख रहा है कि कल आज अगर देखा जाए आखिरी 12 घंटे बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम अभी नहीं है आपके पास अब। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे बचे हुए हैं, 12 आवर्स ओनली। ठीक है, सिर्फ 12 आवर्स बचे हुए हैं। आप अभी भी चाहो तो ये बेनिफिट्स उठा सकते हो। 1 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 25,700 का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 32,500, एंड 24 मंथ पे लार्जेस्ट डिस्काउंट ऑफ 70,000। यस, 70,000 तक का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। प्लीज गो एंड ज्वाइन इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी क्लासेस। ठीक है, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल बिकॉज अभी अनएकेडमी की जितनी भी कोर्सेज है बहुत डिस्काउंटेड, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही है इन सारे कोर्सेज में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगेन हम बात करें दूसरा कि इस महीने नवंबर में आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी आए। एमपी सीजे का, मध्य प्रदेश सिविल जज का भी वैकेंसी आया। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक आई एम क्लियरली नॉट विजिबल, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एमपीसीजे के बारे में भी पता होगा कि मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए भी बैचेज आए, और इन बैचेज में आपको सब कुछ सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही नहीं, एमपीसीजे के बैच की बात सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे डीजेएस के प्रीलिम्स मॉक सीरीज आए आपके लिए। ठीक है, डीजेएस का आपका प्रीलिम्स 1 मंथ प्रिपरेशन बैच आया, आंसर राइटिंग बैच आया, माइनर लॉज के बैचेज आए आपके पास, हिमाचल प्रदेश मॉक इंटरव्यूज के हैं। कहीं ना कहीं आप सब इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा कहना आपके लिए ये है, ठीक है, कि प्लीज स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, आप चाहो तो ये बैचेज ज्वाइन कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी लर्निंग को। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन की थ्रू की तरफ। ठीक है, अगेन इसी की बात कर रहा था कि डीजेस का जो क्वेश्चन पेपर था, 3 टेस्ट सीरीज आए थे, इसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, अभी भी कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बैचेस की। ठीक है, कौन कौन सी बैचेस, क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछे गए, इसकी बात करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं, हम अभी आंसर करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है मध्य प्रदेश की। बच्चों प्लीज लेट मी नो, बताओ सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से। चलिए बताइए, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। बताओ बताओ, ऑप्शन आर दतिया, हारदा, ठीक है, रायसेन, श्योपुर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें है जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट आपका आंसर होगा हारदा। हारदा डिस्ट्रिक्ट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर देखा जाए बाय पॉपुलेशन बेसिस अगर देखा जाए तो, ठीक है, एरिया के हिसाब से दतिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, सबसे पहली विमेन चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की कौन बनी थी, इनका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था। करेक्ट प्रीति, ठीक है, करेक्ट, इसका आंसर बताइए। चीफ मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन थी, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थी, बहुत बड़ी हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली लीडर है ये, इनके बारे में बहुत फेमस है। ठीक है, करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है। ऑब्वियसली करेक्ट, उमा भारती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उमा भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन एमपी। ठीक है, कहां पे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, पचमढ़ी में होता है, या फिर खजुराहो में होता है, या ग्वालियर में होता है, या ओरका में होता है, कहां पे होता है बच्चे। करेक्ट आंसर बताइए क्या है इसका।
पचमढ़ी में होता है या फिर ग्वालियर में होता है, खजुराहो में होता है या ओरका में होता है, कहाँ पे होता है? लेट मी नो द करेक्ट आंसर. ऑब्वियसली करेक्ट बी, खजुराहो में होता है. ठीक है, सही आंसर, एकदम सही. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती या फिर सिप्रा, के सिंचाई पी आर ए है इसका नाम. ठीक है, नर्मदा या महानदी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कौन सी है, कौन सी नदी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अगर लंबाई के हिसाब से बात करें? बस हिंट दूंगा, ये उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, अरेबियन सी में आके मिलती है. ठीक है, और ओरिजिन होती है कहीं ना कहीं ये आपके विंध्याज के आसपास से. ठीक है, नर्मदा सी विल बी द करेक्ट आंसर, नर्मदा रिवर इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है, सबसे पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ट्राइब कौन है मध्य प्रदेश का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला? ठीक है, भारिया ट्राइब है, गोंड है, भील है या कोरकू ट्राइब है? करेक्ट आंसर बताइए. विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब इन मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस ट्राइब कौन सा है मध्य प्रदेश का? करेक्ट आंसर बताओ, प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर बच्चे. Obviously. चलिए, सही जवाब है गोंड ट्राइब इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, गोंड ट्राइब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ट्राइब है मध्य प्रदेश का. ठीक है, कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में, टोटल कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इसका आंसर बताइए. 25 है, 32 है, 40 है, 46 है, कितने हैं टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कितने मध्य प्रदेश में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इन मध्य प्रदेश, कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं मध्य प्रदेश में? सिंपल सा आंसर है 32, नहीं 32 नहीं है. ऑब्वियसली नहीं है. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 46 शेड्यूल ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में. ठीक है, टोटल के टोटल 46 ट्राइब्स हैं. अगला क्वेश्चन हमारा फिर से उठता है, क्वेश्चन आता है. ठीक है, कि इन विच ईयर खजुराहो ग्रुप को ऑफ मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, किस साल किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर, ये बताओ, इसका करेक्ट आंसर बताओ. 1983, 1986, 1990 या 1989, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट 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 1986, 1986 में किया था. करेक्ट, सही आंसर. नेक्स्ट, ठीक है, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, ठीक है, कौन सा उर्वरक या खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? कॉपर हो गया, डोलोमाइट हो गया, कोल हो गया या मैग्नीज हो गया, कौन सा है बताओ आंसर इसका. ठीक है, इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा डोलोमाइट, नहीं कोल, कॉपर, मैग्नीज, द करेक्ट आंसर इज कॉपर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, पहले गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के, इनका, इनके बारे में बताओ. पहले गवर्नर कौन थे, सबको पता होगा, डॉक्टर पतावी सीतारमैया. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था. Which of the following river is not tributaries of Chambal River? इनमें से कौन सी, कौन सा river है जो tributary नहीं है Chambal नदी का? ठीक है, Sipra नदी, काली सिंध, ठीक है, बेतवा, पार्वती, कौन सा? Correct answer बताओ. ये बेतवा, correct. ठीक है, बेतवा नहीं है, करेक्ट है, सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती रूल्ड विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती किस एरिया में, मतलब मध्य प्रदेश के किस रीजन में राज करती थी? ठीक है, इनके बारे में बताना. इनके नाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी है. हिंट यही है कि ये आपका, मतलब क्या नाम है, जबलपुर रीजन में इनका रूल हुआ करता था, जबलपुर एंड आसपास के एरिया में. करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या है.
प्रतीक राज, करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बताइए, रानी दुर्गावती किस रीजन में रूल करते थे? गोंडवाना लैंड में, ठीक है, गोंडवाना एरिया में जहाँ पे गोंड की प्रजाति सबसे ज्यादा है, या फिर महाकौशल में, ठीक है, या विंध्या विंध्या प्रदेश में, या फिर ग्वालियर एरिया में, कहाँ पे? करेक्ट आंसर बताइए। सी नहीं, सी नहीं, गोंडवाना एरिया में, ए ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच फेमस पर्सनालिटी मध्य प्रदेश में किनको गुरु जी के नाम से संबोधित किया जाता है? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, या विष्णु चिंचालकर को, या रामकुमार वर्मा को, या फिर नाथुराम प्रेमी को? करेक्ट नाम बताइए इनका। ठीक है, गुरु जी का ओरिजिनल नाम क्या है, गुरु जी का ओरिजिनल नाम क्या है ये बताओ। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, विष्णु चिंचालकर, या राम कुमार वर्मा, या फिर नाथुराम प्रेमी? करेक्ट आंसर बताइए कौन है। बताओ करेक्ट आंसर। नहीं, इनका करेक्ट नाम है, ओरिजिनल नाम है विष्णु चिंचालकर। ठीक है, विष्णु चिंचालकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, गुरु जी का ओरिजिनल नाम विष्णु चिंचालकर है। ठीक है, अगला, संत सिंगा जी, ठीक है, ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के किस रीजन से बिलोंग करते हैं संत सिंगा जी? ठीक है, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, या निमार? करेक्ट आंसर बताइए, किस रीजन से बिलोंग करते हैं। सी, आज की क्लास और एक और क्लास होने वाली है, ये आपका स्टैटिक जीके का पूरा कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर का आपका सेशन शुरू होने वाला है। ये बोथ अभी जैसे पूरा सिर्फ एमपी को टारगेट करके करा रहा हूं, अगला जो सेशन शुरू होगा कल के बाद, कल या परसों के बाद, ठीक है, तो वो आपका पूरा का पूरा मैं शुरू करूंगा आपके एमपी के लिए भी, और क्या नाम है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी। और इसकी शुरुआत होने से पहले मैं ये करूंगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन फॉर्मिंग तरीका है उसको बाद में करूंगा, पहले मैं आपको 3 तारीख को शाम में 7 बजे, ठीक है, 3 तारीख को शाम में 7 PM, ठीक है, मैं आपके लिए लेके आऊंगा टोटल का टोटल जितने भी 1 ईयर के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, और उसमें जो भी आपके लिए जरूरी है, आपको जानने के लिए जरूरी है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले आऊंगा, और 110% है कि इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। सी, मालवा नहीं, निमार रीजन से बिलोंग करते हैं बेबू। ठीक है, निमार रीजन से बिलोंग करते हैं, करेक्ट आंसर आपका निमार होगा। अगला क्वेश्चन यही है कि श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मुंडी में है, मांडू में है, ठीक है, सतना में है, या फिर रीवा में है? ठीक है, करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर क्या है सो बताओ। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन मुंडी, मांडू, या सतना, या रीवा? करेक्ट आंसर क्या है बताइए। करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ए, मुंडी में पड़ता है आपका श्री सिंगाजी थर्मल पावर। इसका वन लाइनर आप बना सकते हो, मेरे जितने भी अभी मैंने अभी तक कराए हैं इन सबको वन लाइनर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आज तक कराए हैं मैंने। वेयर इज द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, मतलब करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? ठीक है, देवास में है, जबलपुर में है, नीमच में है, या गुना में है, कहाँ पे है बताओ। हाँ, मुंडी तो उसका करेक्ट आंसर था, इसका आंसर बताइए ना, इसका तो करेक्ट आंसर आपका मुंडी था, अभी जो है इसका आंसर बताओ। देवास में, करेक्ट, देवास में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला है, मतलब भिखारी मोती मतलब किसने लिखी थी? ठीक है, मुक्ति बोध ने लिखी थी, आज्ञा ने लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, या दिनकर सोलवरकर ने लिखी थी? करेक्ट आंसर बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर सोनवालकर,
अज्ञेया, ठीक है, मुक्ति बोध किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर बताओ। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी मोती यही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स ओपियम एल्कोइड प्रोसेसिंग वर्क। ठीक है, ओपियम अल्कलोइड प्रोसेसिंग वर्क के लिए यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका फेमस है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, धतूरे के प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, कौन सा जगह कहाँ पे होता है, रतलाम में होता है या मंदसौर में होता है या फिर नीमच में होता है या शिवपुरी में होता है? करेक्ट आंसर बताओ कहाँ पे होता है। करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चे? द करेक्ट आंसर इज नीमच, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है बच्चा? कुमार गंधर्व अवार्ड किस चीज के से एसोसिएटेड है? ड्रामा से है, डांस से है, लिटरेचर से है, म्यूजिक से है? किस चीज से एसोसिएटेड है कुमार गंधर्व अवार्ड, बताना जरा। गुड आफ्टरनून आयान, कैसे हैं आप? घशूरा, आपका नाम कितना प्यारा है वैसे, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बताना जरा, कुमार गंधर्व अवार्ड मध्य प्रदेश में किस चीज के लिए दिया जाता है? म्यूजिक, लिटरेचर, डांस या ड्रामा? देखिए, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे को लाइव भी बच्चे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में मतलब वेट कर रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, यही जैसे अगर अनएकेडमी की स्पेशल क्लास होती तो वहां पे क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन रहता है कि क्वेश्चन ये है बच्चा, ऑप्शन ये है, 1 2 3 4, कौन सा चूज करना है, आप इसमें से चूज कर लो ऑप्शन पे को, बच्चे अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं, क्लियर हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी और आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप सब, ठीक है, अनएकेडमी स्पेशल क्लास पे आओ, क्वेश्चन आंसर सेशन वहां पे भी बहुत अच्छे से होता है, बहुत इससे तो फार बेटर प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। और दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आखिरी दिन है, ठीक है, आज आखिरी दिन है इस ऑफर का, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, ये आखिरी दिन है, आप चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो, दोबारा ये मौका आपके लिए नहीं आने वाला है। अब चलिए अगेन हम इसका आंसर देखते हैं, संगीत में, इसका करेक्ट आंसर कह रही है संगीत में, बिल्कुल म्यूजिक में, सही आंसर है आपका। ठीक है, संगीत में इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगोरिया एक फोल्क डांस है, ठीक है, ये किस ट्राइब का फोल्क डांस है, किस ट्राइब का ये फोल्क डांस है भगोरिया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताओ, भील ट्राइब का है, सहारिया ट्राइब का है, गोंड का है या बाइगा का है? ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या है। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या है, सो बताओ। किस ट्राइब का भगोरिया, भगोरिया फोल्क डांस जो है ये, इसमें से किस ट्राइब का है, भील का है, सहारिया का है, गोंड का है या बाइगा का है? करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली ये भील ट्राइब का है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, भगोरिया। नेक्स्ट है, मालंज खंड माइन जो है ये इनमें से किस उर्वरक का है, बॉक्साइट का है या फिर कॉपर का है, मैग्नीज का है, लाइमस्टोन का है? करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, और आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, वही यहाँ पे मिलता है इस माइन से, इस खदान से, मलंज खंड जो आपका खदान है यहाँ से वही चीज सबसे ज्यादा मिलता है, जो जिस उर्वरक की सबसे ज्यादा मतलब क्वांटिटी आपके मध्य प्रदेश में है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली बॉक्साइट नहीं, मैग्नीज भी नहीं, ये सारे आयरन ओर से आते हैं, द करेक्ट आंसर इज कॉपर। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम? ठीक है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर में इनमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स को मतलब वर्ल्ड नेटवर्क में, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर बताइए क्या है, बताओ बताओ करेक्ट आंसर क्या है। ओनली टू,
ओनली टू, द करेक्ट आंसर इज टू ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन शुरू होता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बायोस्फीयर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है. ठीक है, सॉरी टू होगा इसका करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश. इनमें से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट नहीं होती. चंबल, बनास, सिप्रा या वेन गंगा. इनमें से कौन सी नदी है जो मतलब यहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट नहीं होती. क्या कह रहे हो, सिप्रा. प्रीति आप कह रहे हो सिप्रा नदी. नहीं, सिप्रा नहीं. इसका करेक्ट आंसर बताओ. नहीं, वेन गंगा भी नहीं है, बनास नदी है. बनास नदी, ठीक है, बनास नदी. ठीक है, बनास विल बी द करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर यूनेस्को. ठीक है, यूनेस्को के अंडर मध्य प्रदेश में ये कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है. खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, रॉक शेल्टर एट भीमबेटका, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची या उदयगिरी केव्स ऑफ विदिशा. विदिशा की उदयगिरी केव्स. करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए. करेक्ट आंसर बताओ क्या है. खजुराहो है, खजुराहो है बच्चा, खजुराहो भी है, रॉक शेल्टर भीमबेटका भी है. ये आपका मतलब प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के एविडेंट साइट्स है. ठीक है, प्री हिस्ट्री साइट्स हैं ये. ठीक है, तो ये प्री हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तो ये हैं. बुद्धिस्ट सांची भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. डी, उदयगिरी के जो केव्स है ना विदिशा में, ये नहीं है. अच्छा, बनास, वही तो मैं भी कह रहा था कि बनास है इसका करेक्ट आंसर. अगला ये क्वेश्चन देखिए, बताइए कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट से नर्मदा नदी नहीं गुजरती. मांडला से, देवास से, खारगांव से या फिर विदिशा से. कहां से नहीं गुजरती. ठीक है, नर्मदा नदी इनमें से किस एरिया से नहीं गुजरती. मांडला से, देवास से, खारगांव से या फिर विदिशा से. देवास नहीं, देवास से भी गुजरती है, देवास से गुजरती है, गुजरती है. द करेक्ट आंसर इज डी, विदिशा से नहीं गुजरती बच्चे, विदिशा से नहीं गुजरती है. ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. इनमें से कौन सा जगह मध्य प्रदेश में नहीं है. ठीक है, असीरगढ़ की का किला, ठीक है, जिनौरगढ़ का किला या मांगी टुंगी. ठीक है, या फिर गढ़ कुंदर जो है, ये इनमें से करेक्ट आंसर बताओ क्या है. करेक्ट आंसर बताओ. नहीं, गरकुंदर भी है, गरकुंदर भी यहीं पे. देखिए, मांगी टुंगी जो है ना, ये ऋषभ देव की का मंदिर है, ये महाराष्ट्र में है. ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, मांगी टुंगी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंडोला पैलेस जो है जिसको स्विंग पैलेस कहते हैं. ठीक है, झूले झूला मतलब हिंडोला मतलब झूला ही होता है. ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है बेटा, बताना. हिंडोला पैलेस जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार में है, झाबुआ में है या फिर छतरपुर में है या अलीराजपुर में है. करेक्ट आंसर बताइए कहाँ पे है. करेक्ट आंसर बताओ कहाँ पे है. ये है आपके धार में, धार में पड़ता है आपका. ए विल बी द करेक्ट आंसर. एंड सो अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सेड टू बी बर्थ प्लेस ऑफ सीआरपीएफ. सीआरपीएफ का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पे हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले सीआरपीएफ का गठन किया गया था. करेक्ट आंसर बताइए. नीमच, सागर, मुरैना या फिर भोपाल. करेक्ट आंसर बताओ बताओ बताओ. भोपाल नहीं, भोपाल नहीं है, नीमच में हुआ था. ठीक है, नीमच में हुआ था. और इसके अलावा ओमकेश्वर टेम्पल जो है, हिंदू टेम्पल, ये जो शिव जी की मंदिर है, ये कहाँ पे, किस स्टेट में है. ओमकेश्वर टेम्पल किस स्टेट में बच्चे.
इंदौर में, किस डिस्ट्रिक्ट में? इंदौर में है, खंडवा में है, देवास में है, खारगांव में होते हैं, कहाँ पे है? करेक्ट आंसर बताओ, इंदौर, खंडवा, देवास या खारगांव, कहाँ पे है? ओमकेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? ये एक ज्योतिर्लिंग है, ये कहाँ पे है सो बताओ। नहीं, खारगांव नहीं है, खांडवा में पड़ता है, खांडवा में पड़ता है, ठीक है। ओमकेश्वर टेम्पल आपका खांडवा में पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतना ही मैं पूछूंगा। ये मतलब रिवर गंगा के, गंगा सॉरी नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। आपका ओमकेश्वर टेम्पल और ओमकेश्वर शिवलिंग का नाम आप जानते होंगे कि बहुत फेमस है ओमकेश्वर शिवलिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगेन मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ कि बेटा जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो आपका 42% का ऑफ है, ठीक है, ये आखिरी मौका है आपके पास। इसके बाद फिर शायद ये मौका आपको ना मिले, ठीक है। अनएकेडमी दोबारा आपको मौका नहीं देगी। इसके लिए करना क्या है, जो नीचे कॉर्नर में आपका लिखा हुआ कोड है SS11, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू, ठीक है। सब पे आपको अप टू 42% तक का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑफर है बच्चे, ठीक है, बहुत बड़ा ऑफर है ये आप सबके लिए, मैं बताऊं तो, ठीक है। तो प्लीज गो एंड परचेज दिस कोर्सेज इफ यू वांट टू, ठीक है। और इसके साथ ही बताऊं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे बैचेज हैं। अगर जैसे बात करें, ठीक है, MPCJ का, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश के भी बैचेज हैं हमारे पास। जैसे ये बैच हो गया टारगेट MPCJ स्पेशल रिविजन बैच, इसको भी आप SS11 कोड यूज कर सकते हो एंड यू कैन परचेज दिस इन केस इफ यू विल परचेज, ठीक है, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। कोड यूज करना है SS11 और इससे आपको अप टू 42% तक का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका MPCJ का प्राइस हाइक, ये आज तक के लिए ही है, 1 दिसंबर से प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, 1 दिसंबर से बहुत हाइक जाने वाला है ये प्राइस, ठीक है। दिल्ली DJs का टेस्ट सीरीज है, ये आप आराम से दे सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। ये आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि DJs के जो एग्जाम्स हैं उसके क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक फुल लेंथ लगाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पंजाब जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे, अगली बार हो सकता है आपके नाम यहाँ पे हो, जैसे प्रीति कुशवाहा हो गया, ठीक है, आगे भी जैसे आयान कुमार, आयान हो गया, जैसे घसूरा, इसका नाम लिखवाऊंगा मैं अगर होता है तो, ठीक है, प्रतीक राज हो गए, ये सारे बच्चे हो गए, ठीक है। अगला बात क्या, समीर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा जुडिशियरी आंसर राइटिंग के माइनर लॉज के बैचेज चल रहे हैं, ठीक है, सवाद चौधरी सर, आनंद मिश्रा सर, फैजान खान सर, ठीक है, ये इंडियाज के बेस्ट फैकल्टीज हैं, इनकी बैचेज चल रही हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो इन बैचेज को, ठीक है। सवाद सर के बारे में आप सबको पता होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज भी हैं जिनके ये खुद टीचर, जिनके भी ये गुरु हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे यहाँ पे एडुकेटर्स हैं जिनके गुरु सवाद सर हैं, तो जो वो एडुकेटर्स आपको इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो सोचो सवाद सर क्या पढ़ाते होंगे। इनके बैचेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ जजमेंट राइटिंग भी सिखाएंगे सर, सारी चीजें होंगी। अगेन इसके बारे में आप मतलब इसको आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो SS11 कोड का यूज करो और इस वाले स्कैनर कोड को आप स्कैन कर लो, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। दिल्ली का आखिरी मौका है, इसके बाद क्या ही करोगे, 17 तारीख को एग्जाम है, 17th को एग्जाम है, गो एंड परचेज दिस कोर्स, ठीक है, 9999 में है, इसमें रैपिड रिवीजन चल रहा है, रैपिड रिवीजन में जाओ, 17 डेज हैं आपके पास, जाके पूरे DJs के लिए तैयार हो जाओ, क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा का बैच चल रहा है, हरियाणा के अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, इसको तो आप देख ही सकते हो, ये बैच 5 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 10 रुपए में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए आप ये करोगे कि इसके बाद 3 बजे मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास, 3 बजे लेके आ रहा हूँ संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके क्लास के लिए स्टे अपडेटेड, ठीक है, 3 बजे आप लोग ज्वाइन करना, 3 बजे फिर मैं आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेके आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ 3 बजे, तब तक के लिए सबा खैर, गुड बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, आप सब अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें,
और मिलते हैं 3 बजे, उसके बाद फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्या करना है हमारे अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे कि हमारे आंसर राइट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, उसको हम देखेंगे 4 बजे, 4:30 में हम देखेंगे कहाँ पे, अपने स्पेशल क्लास में। अभी तो नहीं देख पाएंगे, आज नहीं लगी है स्पेशल क्लास, तो बेसिकली देखा जाए तो ये 3 बजे आपकी यही होगी। इसके बाद 7:30 में हम फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है? 7:30 में मिलेंगे, एमपी के कुछ क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो लेके। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सब्बा खैर, गुड बाय, टेक केयर।